ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज से हम लोग अपने जो फ्लटर एनिमेशन का जो प्लेलिस्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग सबसे पहला चीज़ देखेंगे कि फ्लटर में हम लोग कंटेनर को कैसे एनिमेट करवा सकते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है। अगर आपने हमारे ये वाली रोड मैप वाली वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके देख लेना। उसमें मैंने पूरा किस तरह से हम लोग ये फ्लटर की कोर्स, एनिमेशन वाली कोर्स कैसे ख़त्म करेंगे वो पूरा रोड मैप मैंने बताया, वो ज़रूर जाके देखना। अभी हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। कंट्रोल शिफ्ट पी दबाओ, यहाँ पे आप सर्च करो फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपका यहाँ से प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट का कमांड क्या है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट से ही बना सकते हो, मैं आज कमांड से नहीं दिखाऊंगा यार, सबको यहीं से बन जाता है। मैं यहाँ पे इंटर का दबाता हूँ, फिर से इंटर दबाओ और यहाँ पे जो भी फोल्डर सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लो। मैं यही वाला पे इंटर दबाता हूँ और यहाँ पे नाम लिखो, नाम आपका स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। फ्लटर सिर्फ नहीं होना चाहिए, मैं लिखता हूँ फ्लटर एनिमेशन कोर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे YT लिख देता हूँ, ओके। तो इस तरह से मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट इंटर दबाओगे, ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, ओके। आप ध्यान देना कि कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए और कहीं पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए, सब स्मॉल में होना चाहिए, पूरा एक सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप तोड़ तोड़ के बना दिए, वो वहीं पे एरर देगा, फिर आप बोलोगे कि फ्लटर का हमारा वो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलो अभी एक काम कर लेते हैं हम लोग। अभी सबसे पहले हम लोग एक इस टाइप का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे ताकि हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं, एनिमेशन के दुनिया में जो कदम हम लोग रखने जा रहे हैं वो ज़्यादा हल्का हो जाए, ठीक है। यानी कि हम लोग प्रोजेक्ट इस टाइप से सेटअप कर लेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हम लोग बनाएं वो देखना भी इजी हो जाए और समझना भी। तो सबसे पहले मैंने जितना भी फालतू की कोड था वो मैंने हटा दिया, यहाँ पे मैं लिख दूँगा फ्लटर एनिमेशन एनिमेशन कोर्स, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक पेजेस नाम से फाइल बनाऊंगा फोल्डर, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ होम पेज का नाम से, ठीक है। होम पेज डॉट डाट STL, स्टेटलेस विजिट हम लोग बनाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम पेज स्कैफोल्ड बॉडी सेंटर, सेंटर नहीं लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे अभी कॉलम लिखते हैं, ठीक है, सिंपल सा काम, ओके। अभी मैं होम पेज को अपना यहाँ पे डाल देता हूँ, होम पेज, सिंपल है, ठीक है। अब देखो यार, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ। आप बोलोगे इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, सिंपल है यार, कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया, अब मैं क्या करूँगा कि एक सेकेंड रुक जाओ। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने दो फाइल यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, ठीक है। ध्यान में रखो या ना रखो, मैं नीचे वाला चीज़ हटा देता हूँ, आप ये सिर्फ चीज़ को अपने फाइल के अंदर लिख लो, ठीक है। ये क्या करेगा, हम लोग एक ऐसे थीम बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग बढ़िया से काम कर पाए। ये कलर मैंने डिफाइन कर लिया, अब ये यहाँ पर थीम लिख कर, ठीक है, थीम लिख कर आप यहाँ से ये चीज़ भी कर ही लो, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर डार्क वाला को हटा देता हूँ, सिर्फ आपको इतना सा थीम को बना लेना है। आप चाहो तो ये चीज़ नहीं भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारा जो ऐप है वो बढ़िया लगे इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेंटर टाइटल देता हूँ मैं, एक सेकंड, यस ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इस तरह से आप चाहो तो लिख सकते हो यार, देखो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा कि थीम में ये हटाकर मैं लाइट थीम लिख दूँगा, इससे क्या हमारा थीम बढ़िया सा दिखने लगेगा। अब एक काम और हम लोग करेंगे कि जो भी चीज़ें बनाते जाएंगे उसको गिटअप पे भी डालते जाएंगे, ताकि हम लोग जब भी अगली बार आपको ज़रूरत पड़े ये चीज़ को तो आप ले पाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ओके। तो यहाँ पे ग्रूवी का क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। एंड देखो, कभी आपको अगर आपको इस तरह से दिखे कि जैसे मैंने ये न्यू प्रोजेक्ट बना लिया
और आपको यहाँ पे फिर भी रिमोट ब्रांच दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से डिसकनेक्ट कर लूँगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, रिमोट पे जाता है, रिमूव रिमोट ओरिजिन। अभी देखते हैं हमारा क्या हो रहा है। ओके, हमारा हट गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि आप अपनी जो ब्रांच है उसको पब्लिश कर लो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट सेटअप। अगर आप में वो ऐसा एरर नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखकर प्रोजेक्ट सेटअप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा ये वाली पॉपअप हट जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि गिटहब डेस्कटॉप ओपन करूँगा, ठीक है। गिटहब डेस्कटॉप ओपन करके इसी के अंदर हम लोग काम कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं अपना जो रिपोजिटरी है उसको ऐड कर लेता हूँ, ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। यहाँ से चूज़ करूँगा अपना प्रोजेक्ट फ्लटर के अंदर, फ्लटर एनिमेशन कोर्स YT। एंड यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है यार, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इस तरह से करके क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया, हमारा काम हो गया। अब इसको पब्लिश रिपोजिटरी भी कर देते हैं, ये भी हो गया। इससे क्या हुआ कि जितना भी हम लोग अभी सेटअप किए हैं सारी चीज़ें हमारी गिटहब पे जा चुकी हैं। अब इधर अपना हो जाएगा आराम से। अब इधर हम लोग चलते हैं अपनी कोड के अंदर। अब हम लोग क्या करना है कि सबसे पहला हम लोग, क्योंकि एनिमेशन में कंटेनर हम लोग देखेंगे, तो इसीलिए हम लोग कंटेनर का एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो गया, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आप बस इतना सोचो कि हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो बता रहा हूँ यहाँ से ध्यान देना, अभी तक जो बताया वो नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होम पेज पे चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉलम है, यहाँ पे मैं लगूँगा लिस्ट टाइल, ठीक है, लिस्ट टाइल। ओके, यहाँ पे मैं टाइटल में लिख दूँगा टेक्स्ट एनिमेटेड कंटेनर। आपको जैसा पता होगा कि मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ उसका प्रॉपर एक मतलब आर्किटेक्चर बनाता हूँ, कि हाँ उसमें अगर कोई बाद में बंदा आके देखे तो उसको पता चले कि हाँ भाई कैसे कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसमें बना रहा हूँ ताकि जितना भी हम लोग एनिमेशन बनाएंगे सबका एक अलग अलग मेन्यू रहेगा, उसके अंदर जाके यूज़र देख सकता है। यहाँ पर मैं एक आइकन भी डाल लेता हूँ, ट्रेलिंग नाम से आता है शायद, लीडिंग लीडिंग करके आता ना, हाँ लीडिंग आइकन आइकन आइकन्स डॉट बॉक्स। ओके चलो यही सही है, सेव करते हैं। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको रन भी कर लेते हैं। चलो हमारा प्रोजेक्ट भी अब रन हो रहा है, तब तक हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यार। ओके, ऐप रन हो चुका है, अभी देखो इस तरह से दिख रहा है। ये हमारा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग थीम जो बनाए थे इसके कारण से ऐसा दिख रहा है। अभी हमारा काम एक ये है कि इसको जो कॉलम है उसको हम लोग रैप करेंगे पैडिंग से, और इसको पैडिंग हम लोग देते हैं 20 का, ये इस तरह से दिखेगा। और हम लोग ऐप बार भी एक लगाते हैं ताकि हमारा जो ऊपर का सेक्शन है वो ज़्यादा आगे नहीं जाए, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लटर एनिमेशन ओके, तो हमारा इस तरह से हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे डीबग बैनर को भी हटा देते हैं, फॉल्स। अभी हमारा प्रॉपर हो चुका है। अभी हम लोग एक काम और करते हैं कि इसका जो टाइल कलर है कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यस, बढ़िया लग रहा है। ये देखो अभी अगर ऑन टैप लिखते हैं, आप बोलोगे कि भाई यही करोगे कि फिर एनिमेशन भी बताओगे। अरे थोड़ा रुको यार, अभी थोड़ा हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम लोग बनाते रहेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कि मैं जो एनिमेशन यूज़ करूँगा उसमें मैं गेटेक्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। आप चाहो तो मैं गेटेक्स का यूज़ करूँ या ना करूँ वो आप बताना, ठीक है। फिलहाल
फिलहाल के लिए एक काम करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं यूज़ करता हूँ, मैं स्टेटफुल विजिट यूज़ करता हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं स्टेटफुल यूज़ करूँगा तो आप बोलोगे भाई स्टेट मैनेजमेंट का क्या होगा, स्टेट मैनेजमेंट के साथ भी तो बताओ। तो चलो स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करके ही हम लोग यूज़ करेंगे, गेटेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर एक दो वीडियो में मुझे पता चला कि नहीं गेटेक्स नहीं यूज़ करना, स्टेटफुल यूज़ करो, तो स्टेटफुल यूज़ करूँगा। चलो तो अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जाकर मैं गेटेक्स को भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो गेटेक्स और ये रहा हमारा गेटेक्स का पैकेज, और ये वाला हम लोग गेटेक्स का पैकेज अपने यहाँ पे आकर pubspec.aml में आकर यहाँ पे डाल देंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वन पैकेज है, जब हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे ना ये वाली प्लेलिस्ट, तब देखना हम लोग कौन कौन सी पैकेजेस यूज़ करते हैं। अब क्योंकि हम लोग गेटेक्स यूज़ कर रहे हैं तो मटेरियल ऐप को हम लोग को बनाना पड़ेगा, गेट मटेरियल ऐप, भूल तो नहीं ना गए, उतना दिन हम लोग गेटेक्स यूज़ किए हैं, याद होना चाहिए, ठीक है। अब गेट मटेरियल ऐप हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैंने पेज बना लिया, ठीक है, कॉन्फिग बना लिया। अब यहाँ पर बनाऊँगा एक एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन। अब हमारा जो एनिमेशन है यहाँ से स्टार्ट होगा। चलो सबसे पहला फाइल बनाते हैं, एनिमेटेड कंटेनर डॉट डॉट, ठीक है, STL, एनिमेटेड कंटेनर कंटेनर पेज। अब पेज लास्ट में इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एनिमेटेड कंटेनर पहले से कुछ है डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रन, ओके। अब ये पेज मैंने इसलिए बनाया ताकि जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये वाला पेज के अंदर जा सकूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट डॉट टू, एंड यहाँ पे पेज का नाम एनिमेटेड कंटेनर पेज, सिंपल सा काम है, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं करूँगा वो हमारा एनिमेशन के रिलेटेड होगा। अब देखो ये पेज पे हम लोग आ गए। अब ये पेज पे मैं एक एप बार लगा लेता हूँ, एप बार। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट भी तो कर सकता हूँ मैं एप बार को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर, एनिमेटेड कंटेनर, ओके। ये हमारा एनिमेटेड कंटेनर आ गया। एंड ये हमारा यहाँ पे बैक वाला बटन है लेकिन दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कंटेनर बनाएंगे। अब ध्यान देना, अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो एनिमेशन रिलेटेड होगा। अब हम लोग एक यहाँ पे कंटेनर बनाते हैं जिसका विड्थ लेते हैं 300 एंड हाइट भी लेते हैं 300, और इसमें डेकोरेशन लगाते हैं बॉक्स डेकोरेशन कलर कलर्स डॉट वाइट, ओके। एंड ये हमारा कंटेनर फाइनली बन चुका है, ओके। तो ये हमारा कंटेनर आ गया। अब इसको मैं बीच में कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे एक रो लगा देता हूँ सिंपल सा, ये हो जाएगा हमारा बीच में, ओके। ऊपर से थोड़ा सा हाइट भी देता हूँ, साइज बॉक्स हाइट 30, ओके। तो ये हमारा कंटेनर रेडी है। अब देखो यार, हम लोग को कंटेनर एनिमेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है एनिमेटेड कंटेनर, ठीक है। आपको सिर्फ कंटेनर के आगे लगाना है एनिमेटेड। अब जैसे एनिमेटेड लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एनिमेशन से, देखो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें आपको उसमें भी ऐड करना है मुझे, तो ये सारी चीज़ें ऐड भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज एनिमेटेड कंटेनर हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एनिमेटेड कंटेनर लिखोगे तो ये एरर देगा, होवर करोगे तो ये बोलेगा कि हमारे पास एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है जो कि ड्यूरेशन है। अब ये ड्यूरेशन बताएगा कि आपकी जो एनिमेशन है वो कितना देर चलना चाहिए। तो मैं अभी लिखता हूँ ड्यूरेशन, और यहाँ पे ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड और 1 सेकंड, यानी कि कोई भी एनिमेशन इस पे जब लागू होगा तो वो 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। चलो कोई एनिमेशन इस पे लागू करके देखते हैं। तो लागू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे एक नीचे रो बनाऊंगा, ठीक है, चिल्ड्रन।
एंड यहाँ पे बहुत सारा हम लोग बटन बनाएंगे, एलिवेटेड बटन। अब बहुत सारा का मतलब क्या, हम लोग जितने भी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे वो हम लोग बटन पर क्लिक करके करेंगे। जैसे कि मान लो सबसे पहले हम लोग साइज चेंज करें, ठीक। अब यहाँ पे ये पूरा इधर सटा हुआ, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो कॉलम है ना उसको मैं पैडिंग से रैप करता हूँ और इसको 20 का पैडिंग देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारी वेवटी भी अच्छा लगे, ठीक है। एक बटन हो गया, हम लोग बताओ 2 3 4 कितना हो गया। यहाँ पे हम लोग लगाते जाते हैं कॉमा, आई होप हो गया होगा, बढ़िया। ज़्यादा हो गया तो हम लोग 2 हटाते हैं। सबसे पहले साइज़ हम लोग चेंज करेंगे, फिर कलर चेंज करेंगे, एंड फिर हम लोग क्या है बॉर्डर रेडियस, रेडियस चेंज कर लेते हैं। रेडियस आ रहा है यार, ठीक है। ये 3 चीज़ें, मैं काम करता हूँ कि मैं इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन रख देता हूँ, ताकि ये हमारा बटन इस तरह से हो जाए। हम चाहें तो एक बटन और भी बना सकते हैं इसके अंदर, एक बटन और भी डाल देते हैं। चलो अभी ये ठीक है, अभी ज़्यादा वो नहीं है। अब हमारा काम है कि जब इस पर चेक क्लिक करूँ तो हमारी जो कंटेनर है वो थोड़ा सा साइज़ कम या ज़्यादा हो जाना चाहिए एनिमेट होकर। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है वो साथ में चेंज होता रहे, इसीलिए मैं इसको स्टेट मैनेजमेंट के हिसाब से ही बनाऊंगा, क्योंकि अब हमारा काम है स्टेट को मैनेज करना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा RX डबल, ठीक है। RX डबल मैं लिखता हूँ साइज इक्वल टू 300, ठीक है। डॉट OBS, क्योंकि ये डबल है तो एक और 0 लगेगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो हो गया, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो हमारा हाइट हाइट और विथ है, इसमें मैं साइज ही दे दूँगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों एक ही साथ चेंज हो, कोई बड़ा छोटा नहीं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी साइज पे क्लिक करें तो मैं यहाँ पे साइज डॉट वैल्यू इक्वल टू 400 था ना, तो मैं इसको कर दूंगा 200, यानी कि कम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जब क्लिक किया तो कुछ हुआ तो नहीं। अब नहीं इसीलिए हुआ क्योंकि साइज अगर मैं सेव करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो इतना दूर का सेक्शन है वो स्टेटफुल होना चाहिए। तो मैं इसको पूरा कट करता हूँ, इसको रैप करता हूँ OBX से। अब आप जो भी एस्टेट मैनेजमेंट में काम कर रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर लेना। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारी जो कंटेनर है वो 200 विथ का हो गया, लेकिन दोबारा मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये दोबारा नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे कि जब भी ये बटन पर प्रेस करें तो वैल्यू के अंदर, साइज़ के अंदर 200 वैल्यू ऐड होना चाहिए। अब ये कंटेनर का साइज़ 200 है, फिर से ऐड कर रहे हैं 200, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कि हम लोग विथ और हाइट को चेंज कर रहे हैं। अब ये जो ड्यूरेशन मैंने लिखा था उतना ड्यूरेशन में इसका साइज चेंज हुआ। जे क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले हमारा ड्यूरेशन था 300, अब जैसे मैंने उसको 200 किया तो वो 1 सेकंड में उसका ड्यूरेशन चेंज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। अगर यहाँ पे 5 सेकंड लिख दें तो वो उसकी ड्यूरेशन चेंज होने में 5 सेकंड लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। अब ये होता है कि ड्यूरेशन चेंज करना। अब देखो हम लोग चाहते हैं कि जब एक बार क्लिक करें तो छोटा हो फिर बड़ा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन लगाएंगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर साइज़ की वैल्यू, साइज डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर 200 है तो हमारी जो साइज़ की वैल्यू है ना उसको 300 कर दो, नहीं तो फिर 200 कर दो, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब देखना साइज छोटा हुआ, फिर क्लिक करूँगा तो फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, ठीक है, इस तरह से कर लिया मैंने। अब उसी तरह से हम लोग कलर को भी चेंज कर सकते हैं, तो कलर चेंज करने के लिए कलर की वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा RX कलर, क्योंकि हम लोग कलर को एज अ स्टेटफुल वेरिएबल बनाएंगे। कलर इक्वल टू सबसे पहले कलर्स डॉट वाइट करते हैं, ठीक है, एंड डॉट OBS इसके लास्ट में लगा देते हैं। ओके, कलर डॉट वाइट। अब यहाँ पे जो कलर है हमारा उसमें आकर मैं लिख देता हूँ
कलर डॉट वैल्यू। ओके, अब ये हमारा कलर यहाँ पे आ तो जाएगा, लेकिन हम लोग जब चाहें कि इस पे जब क्लिक करें तो कलर डॉट वैल्यू जो है वो कलर्स डॉट ऑरेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखो ऑरेंज कलर हो गया, लेकिन फिर हम लोग चाहते हैं कि जब दोबारा क्लिक करें ना तो दोबारा ये वाइट कलर में हो जाए, तो फिर हम लोग छोटा सा कंडीशन लगाएंगे जैसा पिछले बार लगाए थे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कलर्स कलर डॉट वैल्यू, अगर कलर डॉट वैल्यू अगर उसका वैल्यू कलर्स डॉट वाइट है, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम फिर ऑरेंज कलर कर दो, नहीं तो तुम वाइट कलर ही रख दो, ठीक है। सिंपल सा कंडीशन था यहाँ पे। अब हम लोग फिर क्लिक करेंगे फिर ऐसा हो गया, फिर क्लिक करेंगे फिर ऐसा हो गया। अब देखो यहाँ पे टाइम ले रहा, एक सेकंड का टाइम ले रहा है, ये नहीं कि तुरंत तुरंत हो रहा है, एक सेकंड का टाइम ले रहा है वो, और उतना ड्यूरेशन हो रहा है। आप चाहो तो ये ड्यूरेशन का कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक कलर तो चेंज कर दिया, अब इसका रेडियस कैसे चेंज करेंगे। तो रेडियस के लिए भी हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं, आर एक्स डबल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डबल लेना है कि क्या लेना है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे ना यहाँ पे, तो आप अगर जैसे ही बॉर्डर रेडियस लिखो, बॉर्डर रेडियस इसको होवर करोगे तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग जो देते हैं वो डबल होता है। जैसे मैं यहाँ पे 20 दे दिया तो ये हमारी डबल वैल्यू है, देखो यहाँ पे डबल, ठीक है, हम लोग को डबल बनाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस इक्वल टू 20 डॉट जीरो डॉट ओबीएस। जीरो क्यों, क्योंकि डबल वैसे ही लिखाते हैं। यहाँ पे मैं ले दूँगा रेडियस डॉट वैल्यू। अब नीचे आते हैं, मैं यही वाला चीज़ को मैं फिर से इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली चीज़ नहीं करते हम लोग, फिर से बना ही लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ हमारा जो रेडियस है ना, रेडियस डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर 20 रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि रेडियस डॉट वैल्यू कर दो 0, ओके, नहीं तो एल्स में रेडियस डॉट वैल्यू कर दो 20। सिंपल सा काम था, ठीक है। अभी हम लोग रेडियस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये 0 हो गया, ये फिर 20 हो गया, ये 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना जो रेडियस है उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ से 50 डालता हूँ मैं। अब देखो रेडियस पर क्लिक किया, 0 हो गया, अब इस बार 50 हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर जितना चाहो उतना डालो, 1000 डालोगे पूरा गोल हो जाएगा ये, ये देखो। अब इसका गोल होने का जो अमाउंट है ना वो बहुत बढ़ गया, यानी कि साइज़ बहुत ज़्यादा इसको कवर करना पड़ रहा है। एक सेकंड, ये देखो, एंड थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गया क्योंकि इसका जो टाइम है ना, ओके, हम लोग को क्या करना पड़ेगा वो समझो। जैसे यहाँ पे 100 लिखें तो इसको बताना भी पड़ेगा कि अगर वो 100 रहेगा तब 0 होना चाहिए। ये 100 हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर ये 100 हुआ, फिर 0 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर जितना भी चीज़ें देख रहे हो वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें तो हमारे पास आता है शैडो, शेप, इमेज, ब्लेंड, बॉर्डर, सारी चीज़ें। अगर मैं बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर डॉट ऑल, ठीक है, एंड विथ लगाता हूँ मैं यहाँ पे 7 का। जैसे मैंने 7 का विथ लगाया, आप देख सकते हो वहाँ पे 7 का आ गया। यहाँ पे कलर एंड कलर्स डॉट डीप पर्पल रख देता हूँ मैं, जो हमारा थीम का कलर है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेनर है वो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका विथ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। विथ पे ओवर करो डबल, डबल के लिए हम लोग फिर से एक वो लगा देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर का साइज रहेगा 7, ठीक है। नीचे आकर मैं बॉर्डर चेंज करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर, एंड यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ बॉर्डर डॉट वैल्यू इक्वल टू 0,
ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ पर चेक कर भी लूँगा कि इफ बॉर्डर डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तब उसकी जो बॉर्डर डॉट वैल्यू है उसको कर दो 10। ओके, इस तरह से ये काम करेगा। बॉर्डर पर क्लिक किया, अभी एक सेकंड, क्यों नहीं काम कर रहा है? ओके, एल्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। काम नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वो वाली वैल्यू डाले नहीं है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर डॉट वैल्यू। अब हमारा काम करेगा, तो बॉर्डर पे क्लिक किए, ये जीरो हो गया, फिर बॉर्डर पे क्लिक किया, ये हमारा 10 हो गया। इस तरह से जितनी भी पैरामीटर्स हैं उसको आप एक बार में भी यहाँ पे कवर कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इस तरह से कर सकते हो यार। देखो आप इस तरह से एनिमेट करवा के दिखा सकते हो कि किस तरह से हमारा जो कंटेनर है वो एनिमेट होता है। अब बताना यार कि इसी तरह से वीडियो अगर एनिमेशन के ऊपर आएगा तो आप सही से सीख पाओगे कि नहीं पाओगे, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।